आइए मैं एक उपाय और आपको बता देता हूं आपके घर की दरिद्रता को घर से बाहर करने का। सुबह उठते ही ये काम कभी नहीं करने चाहिए। आप बड़े सावधानी से सुने, सुबह उठते ही अगर आप ये चार काम करेंगे तो आपको दरिद्री होने से कोई नहीं रोक सकता, आप दरिद्री हो ही जाएंगे। क्या नहीं करने चाहिए चार काम? सुबह उठते ही सबसे पहले दर्पण में अपना मुंह नहीं देखना चाहिए। आजकल तो बेडरूम में ही दर्पण होते हैं, शीशा होते हैं, और ना सही तो कई लोग तो अपना मोबाइल ही ले लेते हैं आजकल, वो भी दर्पण का ही काम कर रहा है। कैमरा खोल के देखते मैं कैसा लग रहा हूं, बुरा ही लग रहा है, बंद कर दे, फोटो ठीक नहीं आएगा। सुबह उठते ही गलती से कभी भी अपना मुंह दर्पण में नहीं देखना चाहिए। जो अपना मुंह दर्पण में देखते हैं वो निश्चित दरिद्रता को इन्विटेशन देते हैं। क्या करें? इस जगह पर ध्यान रखें, अगर आपके रूम में आपका बेटा अथवा बेटी सोती है तो सबसे पहले अपना मुख देखने की बजाय अपने बेटा और अपने बेटी का मुख देख ले। या फिर आपके मोबाइल में जो भगवान का चित्र है भगवान का दर्शन कर लें। सबसे बढ़िया तो यही है, सुबह उठते ही या तो सामने कोई चित्र भगवान का हो या फिर मोबाइल में ठाकुर जी का छवि हो, सबसे पहले उठकर भगवान का ही दर्शन करना चाहिए अथवा बेटा बेटी का मुख देखना चाहिए। अपना मुंह देखोगे तो निश्चित दरिद्रता को निमंत्रण दोगे, पहला। दूसरा, सुबह उठते ही चाय और बिस्किट नहीं लेने चाहिए, खाना नहीं चाहिए कुछ भी। आजकल बड़ी समस्या है, बिना बेड टिके तो बिस्तर छूटता ही नहीं, सबसे पहला काम ही है चाय चाहिए। और चाय अगर अकेली चाय पिए तो वो होता है क्या बोलते उसको, अरे क्या पेट में बड़े बड़े गुब्बारे फूटते है ना, तो गैस बनती है। तो लोग कहते खाली चाय हम नहीं पीते ना महाराज, इसलिए हम थोड़ा बिस्किट ले लेते हैं। कभी भी गलती से सुबह उठते ही चाय और बिस्किट नहीं लेने चाहिए, दरिद्रता को निमंत्रण है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर ज्यादा ही तुम्हारे विपत्ति टूट रही है तो उठो जाओ, अपना मुंह धो, कुल्ला करो, ब्रश करो, और वैसा स्नान नहीं करते तब तक ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तांगतो पिवा, भगवान का नाम लेके अपने आप को पवित्र कर लो और फिर जाके कुल्ला बुल्ला बुरुस बुरुस करके चाय पी लो, बिस्किट खा लो, उसके बाद कुछ देख लो जो कुछ करना। लेकिन सीधे उठते ही कभी भी चाय बिस्किट और कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी स्त्री पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। संग का मतलब जो ब्याहता लोग हैं वो समझ रहे हैं, भाव में ही अल्प में ही कह रहा हूं, कभी भी संभोग क्रिया को ब्रह्म मुहूर्त में स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो स्त्री भोग करता है, पुरुष भोग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते ही वो निश्चित दरिद्रता को निमंत्रण देता है, इसे सावधानी रखनी चाहिए। और चौथा और अहम, सुबह सुबह कभी क्लेश नहीं करना चाहिए घर में। कई तो उठते ही लड़ते लड़ते उठाए जाते हैं। अब आप कहेंगे हमारा सुबह सुबह कौन लड़ेगा, अरे देखो तो सही, घरों में अलग अलग प्रकार के तांडव होते हैं। अब शहरों में क्या, बच्चों को कई बार बस छूट जाती है, छूटती है, अब कौन छोड़ने जाए जब बस छूट गई तो कौन जाएगा बताओ? मम्मी ने तो नाश्ता बना दिया, मम्मी की ड्यूटी कंप्लीट, अब जाएगा पापा, पापा तो पढ़ा है वो 8 बजे तक के लिए, और 6 बजे उठा दिया तो पापा लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? रात में पी के पाया था, अब तो सोच, अभी तो जरूरी नहीं कर रहा है, अभी तो शुरू पे ही है, तो कैसे जाएगा? अब जाना चाहता नहीं तो लड़ाई होगी कि नहीं? चार काम कभी ना करें, पहला अपना मुंह दर्पण में ना देखें, दूसरा चाय बिस्किट खान पीन कुछ ना करें सुबह उठ के, स्त्री प्रसंग ना करें, चौथा लड़ाई और क्लेश ना करें। इन चार कामों से दूर रहने वाला व्यक्ति कभी भी दरिद्री नहीं हो सकता, इसलिए सावधानी ग्रस्त आश्रम को यह रखनी चाहिए इन चार चीजों की। बोलो राधे राधे।